उमरा के दो फराइज हैं, एहराम बांध कर नियत करना और तलबीह पुकारना और तवाफ करना, यानी बैतुल्लाह के गिर्द सात चक्कर लगाना। उमरा के दो वाजिबात हैं, सफा व मरवा की सही करना और हलक या कसर करना। सुन्नत के मुताबिक हरम पाक में दाखिल हों और खाना काबा पर पहली नजर पड़ते ही हाथ उठाकर खूब दुआएं मांगें, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का खास मौका है। इसके बाद हजरे असफद की सीध में आए, जिसकी निशानदेही सब्ज ट्यूबलाइट के जरिए भी की गई है। यहां तलबीही पुकारना बंद कर दें। मर्द एहराम की ऊपर वाली चादर सीधे हाथ की बगल से निकालकर बाएं कंधे पर डाल दें, यूं इनका दाया कंधा खुला हो जाएगा। इसे इज्तिबा कहा जाता है। यहां खड़े होकर खाना काबा की तरफ मुंह करके तवाफ की नियत करें। ए अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए उमरा के तवाफ की नियत करता या करती हूं, इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए हजरे असफद की तरफ हथेलियां करके चूम लें। इसे हजरे असफद का इस्तेलाम कहा जाता है। इसके बाद तवाफ शुरू करें और दौरान तवाफ मसनून दुआएं जुबानी या देख कर पढ़ें। मसलन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौं व फिल आखिरति हसनतौं व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अब्रार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन। ये दुआ रुकने जमानी और हजरे असफद के दरमियान पढ़ना सुन्नत है। नियत तवाफ या दीगर मकामात पर पढ़ी जाने वाली दुआओं के अरबी अल्फाज अगर याद ना हो तो जो भी दिल में आए मांगे, जिस जुबान में जी चाहे मांगे। आपको खाना काबा के गिर्द सात चक्कर पूरे करने हैं और हर चक्कर के बाद इस्तलाम करना है। सिर्फ पहले तीन चक्करों में सीना तान कर तेज तेज चलें, जिसे रमल कहा जाता है। तवाफ के बाद दो रकत नमाज वाजिब तवाफ मकाम इब्राहिम को अपने सामने रखते हुए अदा करें। अगर यहां मौका न मिले तो ये हरम में कहीं भी अदा हो सकते हैं। मताफ के चारों तरफ ठंडे और सादा जमजम की टूटियां और कूलर लगे हुए हैं। क़िबला रुख खड़े होकर जी भर कर जमजम पिए और खूब दुआएं मांगें। जमजम पीने के बाद सफा पहाड़ी की तरफ सही के लिए रवाना हो जाएं, जिसकी निशानदेही के लिए अरबी और उर्दू में बोर्ड लगाए गए हैं। सफा की तरफ जाते हुए हजरे असफद का इस्तेलाम करना सुन्नत है।